हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स वो में आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ जो कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हर साल इसकी वैकेंसी रिलीज की जाती है उससे रिलेटेड हम कुछ बात करने वाले हैं एस एस सी का जब भी वैकेंसी रिलीज़ होता है तो ऐसा देखा गया है कि काफ़ी सारे जो ग्रेजुएट्स स्टूडेंट होते हैं और जो ट्वेल्थ पास होते हैं ग्रेजुएट इवन बी बीटे, टेक बी टेक जिन्होंने कर रखा है उन सब वो सब स्टूडेंट इस भी इसके लिए अप्लाई कर देते हैं जब बात आती है ज्वाइनिंग को लेके जब ज्वाइनिंग की बात आती है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उनको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्या ये उनके प्रोफाइल को सूट करेगा उनके आ, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सूट करेगा क्या ये चपरासी प्यून का जॉब है तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो चलिए हम सबसे पहले बात कर ले कुछ चीज़ों के बारे में सबसे पहले मन में जो ख्याल रहता है ग्रेजुएट्स के या बीटेक जो होल्डर्स हैं या उससे आगे की डिग्री कर रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो वर्थ डूइंग क्या ये मतलब उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्थ है इस जॉब का और क्या ये प्यून का जॉब इसमें मिलता है चपरासी का जॉब मिलता है एस एस सी करने के बाद तो देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले एक क्लियर कर दूँ थोड़ा सा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है और खासकर लॉकडाउन के बाद की बात करें तो काफ़ी तेजी से ये बढ़ेगा तो यहाँ पे आपको जॉब जो है वो सिक्योर हो जाएगा सबसे मैं एक प्रोस इसका ये आपको बता रहा हूँ आगे का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा जो भी इस चैनल पर नए हैं जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करें तो चलिए हम बात कर लेते हैं एस एस ड्यूटीज़ इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको ये प्यून का जॉब है नहीं है तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि बिल्कुल प्यून का ही जॉब है कुछ चीज़ें जैसे कि आपको डस्टिंग सेल्फ जो ऑफिसर का सेल्फ होता है उसको आपको साफ सफाई रखने का काम आपका होता है क्लीनिंग ऑफ ऑफिस ऑफिस जहाँ भी आपका ज्वाइनिंग होता है जिस भी डिपार्टमेंट में उस ऑफिस को आपको क्लीन करने का काम आप ही का होगा मॉपिंग द फ्लोर मतलब कि आपको साफ सफाई फ्लोर का भी रखने का जरूरत है कैरिंग फाइल्स फ्रॉम डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फाइल पहुंचाने का काम आपको होगा कैरिंग बैग्स और डॉक्यूमेंट चुका मतलब ऑफिसर्स के कार तक आपको पहुंचाना भी पड़ सकता है उनके बैग्स या उनके डॉक्यूमेंट जेरोक्स वर्क इन सब चीजों का काम आपको करना पड़ सकता है अगर आप एज ए एम पी एस एम्प्लॉज होते हैं तो।, तो चलिए हम उसके कुछ प्रोज की बात कर ले जो आपके लिए फायदेमंद है नाइन थर्टी टू फाइव थर्टी का वर्किंग आवर इसमें आपको होगा आठ घंटे की ड्यूटी है स्ट्रिक्टली इसमें आपको ओवर टाइम नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल भी कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब नहीं है बस फाइल को इधर उधर करना है या साफ़ सफाई का ध्यान रखना है अगर हम दूसरी बात करें इसके आपको बेनिफिट्स की तो डी आपको मिलता है यूनिफॉर्म अलाउन्सेस मिलता है यू मिलता है लीव्स इसमें आपको आसानी से मिल जाते हैं प्रमोशन की बात मैं करूं तो प्रमोशन के लिए मैं सेपरेट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो वही अपलोड करने वाला हूं कि इसमें कैसे प्रमोशन और मैं एक चीज़ आपको बताऊं आपको शायद हैरानी होगी याद सुन के कि आप एज ए एम ज्वाइन करके गैजेटेड ऑफिसर तक बन सकते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगा तो आपको पता चलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट कि देखिए इसमें जॉब सिक्योरिटी आपको है देखिए करना ना करना जॉब ये टोटली आप पर डिपेंड है लेकिन मैं सिर्फ एक अपना आपको सजेशन दे रहा हूँ एक समझाने की कोशिश किया हूँ आपको कि आपके लिए क्या सही होगा आप बिल्कुल खुद से डिसाइड कर सकते हैं इस चीज को तो जिनका भी रिजल्ट आने वाला है जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू